नमस्कार गुड मॉर्निंग संडे मॉर्निंग आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज संडे के दिन सुबह सुबह लेकिन मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देने आया हूँ आप सब लोगों का आभार अभिनंदन करने आया हूँ आप सब लोगों ने जिस तरह से हिंद की जय करने के लिए साक्षात्कार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया है अगस्त क्रांति जो आजादी से पहले हुई थी और हमको अधूरी आजादी मिली उसी अगस्त क्रांति को आपने आगे बढ़ाते हुए पूर्ण आजादी की ओर हमने चलना शुरू कर दिया है यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग मिलकर जिस प्रकार आगे चल रहे हैं तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को ठीक सा राजस्थान ठीक सा देश ऐसा मिलने वाला है बहुत सारी चीजें मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब वो भी बताऊंगा आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि हम लोग नहीं चाहते राजस्थान में किसी भी परीक्षा में साक्षात्कार हो अब इस पर जो लोग राय व्यक्त कर रहे हैं मैं उसको आप लोग क्या जवाब देंगे या आप लोगों को क्या ध्यान में है या मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि वास्तव में स्थिति है, है क्या आज की डेट में शायद ही किसी व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं है या जिसके रिश्तेदार जो है नेता नहीं है या जो बहुत बड़ा कोई आदमी नहीं है तो उसको साक्षात्कार में अच्छे नंबर मिल ही नहीं सकते एक भी उदाहरण नहीं है मैं आपको सरल सी भाषा बता दूं राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री श्री गोविंद डोटासरा जी के सुपुत्र श्री अविनाश डोटासरा को पिचासी नंबर मिले मुझे आप लोग एक आदमी ढूंढ के बता दीजिए जिसके पास पैसे नहीं हो या जो नेताओं का रिश्तेदार नहीं हो उसको पिचासी नंबर मिले हो एक आदमी इस छोड़ दीजिए आप पिछली उससे पिछली और उससे पिछली में एक आदमी ढूंढ दो जिसको के के सुपुत्र के समकक्ष पचास नंबर मिले हो अगर कोई भी साथी बता सकता हो या मान लीजिए जिसको मेरी बात सही नहीं लग रही हो वो बता देवे और बता देवे नहीं अगर ऐसा कोई बता देगा जिस जिसके पास अविनाश डोटासरा जी से ज्यादा नंबर आए हो उस मार्कशीट को मैं खुद मेरी फेसबुक पे डालूंगा अब आप मतलब समझ गए अगर किसी के नंबर साक्षात्कार में आ ही नहीं सकते जिसके पास पैसे नहीं हो जिसके पास अप्रोच नहीं हो जिसके रिश्तेदार नेता नहीं हो तो इस साक्षात्कार का मतलब क्या है आप बताइए कोई मतलब बचा है क्या और मैं कह रहा हूं साक्षात्कार खत्म कर दीजिए आप आप परीक्षा में ऐसी प्रणाली डेवलप करिए कि उसकी बौद्धिक क्षमता या उसकी पर्सनालिटी चेक करने का जो भी तरीका चाहे एक पेपर बढ़ा दो लेकिन ये दादागिरी भ्रष्टाचारियों के हाथ में मत दो ये दादागिरी उनके हाथ में मत दो जो मुख्यमंत्री के कृपा पात्र हो ये दादागिरी उनको मत दो जो आगे जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं ये बनिए की दुकान मत छोड़ो इसको आप इस दुकान को सार्वजनिक कर दो कि भाई कानून के मुताबिक काम करना है जब आप साक्षात्कार की शक्तियां किसी बेईमान के हाथ में दोगे तो यही दृश्य होगा जो आज आप देख रहे हैं अगर मैं ये ठीक कह रहा हूं और आप में से कोई भी व्यक्ति कन्विंस है तो मुझे बताइए क्या पिचासी नंबर पर हक केवल किसी नेता के बेटे का ही है क्या किसी गरीब किसान का जो सच में खेत पर हल चलाकर और अपने बच्चों को कर्जा लेकर किराए पर कमरा दिलाकर कोचिंग कराता उसका हक नहीं है इसमें आप खुद सोचिए अपने दिल पर हाथ रख करके और अगर आप ये ठीक समझ रहे हैं मेरी बात को तो इस साक, अब जो व्यवस्था है उसमें दो प्रकार की व्यवस्था है अभी व्यवस्था तो है साक्षात्कार चलते हैं और उस साक्षात्कार में खुला खेल होता है मैं अगर भूपेंद्र यादव साहब अगर देख रहे हैं मुझे तो मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि आरपीएससी में खुला खेल चल रहा है जिसके पास पैसे नहीं है जिसका रिश्तेदार नेता नहीं है उसको पिचासी नंबर नहीं मिलते ना मिले अगर नहीं मिले तो केवल पैसे वालों को या जिसके नेता रिश्तेदार हो या कोई अप्रोची व्यक्ति हो केवल उसको ही मिलते हैं तो इस साक्षात्कार की जरूरत कहां है आप बताइए जरूरत है क्या और साक्षात्कार की अगर जरूरत नहीं है तो हटा दीजिए ना परीक्षा में सफल होने दो सबको अब आपके सामने यह आएगा भूपेंद्र यादव जी ने भी ये बोला है इंटरव्यू में कि अगर साक्षात्कार हटा दिया तो बहुत अयोग्य लोग आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे भाई आज तो बहुत सारे योग्य लोग आ रहे हैं क्या और मैं तो कहता हूं कि अगर एक दो अयोग्य लोग आ भी जाए जिनकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया नहीं होगी कोई बात नहीं उनको प्रोबेशन काल में निकाल देना दो साल में आज तो नब्बे लोग फर्जी आ रहे हैं इंटरव्यू से उसी साक्षात्कार से फर्जीवाड़े से पैसे से नेताओं के रिश्तेदारों से 90 प्रतिशत अभ्यर्थी फर्जी आ रहे हैं और 90 प्रतिशत जहां जिस व्यवस्था में फर्जी आ रहे हो या साक्षात्कार से नंबर मिल रहे हो उस व्यवस्था को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए आपकी हर आलोचना का जवाब दूंगा आप मेरी खूब आलोचना करिए लेकिन साक्षात्कार तो खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस पर तो मेरे साथ आइए कोई बात नहीं आप मेरी फिर से आलोचना करिएगा साक्षात्कार जिस दिन समाप्त हो जाए उसके बाद फिर से मेरी आलोचना शुरू कर दीजिएगा लेकिन मैं अगर सच्चे मन से ईमानदारी से एक कोशिश कर रहा हूं कि ये लाखों बेरोजगार रोजाना कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले लोग जिनके माँ बाप कर्जा लेकर इनको पढ़ा रहे हैं और इस विश्वास में कि हमारे बच्चे योग्यता के माध्यम से सरकारी नौकरी लगेंगे उनका भविष्य तो बर्बाद मत होने दीजिए आपकी मेरे से व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है या कोई और कारण भी हो सकते हैं लेकिन इनके भविष्य की चिंता कौन करेगा बस इतना सा सवाल मैं आपसे करने आया हूं और आप देखिए आज फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर ये जो इनकलाब जिंदाबाद करें ना ये वही युवा है जो पिछले जन्म में आजादी के लिए लड़ रहे थे हर एक में दम नहीं है इनकलाब जिंदाबाद लिखने का हर नहीं हर आदमी नहीं लिख सकता जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय और इनकला जिंदाबाद बहुत दम चाहिए बहुत दम चाहिए तब वो लिख पाता है हर आदमी को लग सकता है कि फला नेताजी मेरे से नाराज हो जाएंगे या फला अफसर मेरे से नाराज होगा या पुलिस वाला नाराज हो जाएगा आरपीएससी का चेयरमैन नाराज हो जाएगा मेंबर नाराज हो जाएगा इसको लिखने के लिए बहुत दम चाहिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और आज आज आप देखिए सोशल मीडिया खोल करके भरे पड़े हैं कमेंट ये वो लोग हैं जो आजादी से पहले आजादी के लिए लड़े थे मरे थे वही लोग हैं आज जो लिख रहे हैं मैं सच बता रहा हूं आपको अगर साक्षात्कार समाप्त हुआ तो हो सकता है कुछ लोग फिर भी फर्जीवाड़े से आ जाएं जैसे मान लो आप समझो कि गोविंद डोटासरा जी की के पुत्र के जो साला और साली हैं प्रतिभा सॉरी प्रभा और गौरव उनके चौथे पेपर में नंबर सेम है नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव आप सोचिए चलिए इंटरव्यू में तो मान लो समान योग्यता तो अस्सी 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 नंबर आ सकते हैं लेकिन आप मुझे बताइए किसी पेपर में 99.5 नाइन पॉइंट फाइव भी आ जाए और दोनों के समान आ जाए बताऊं कैसे होता है आप मेरे से कन्विंस हो जाएंगे ये नंबर केवल तभी आ सकते हैं जब ये दोनों कॉपियां किसी तीसरे व्यक्ति ने भरी हो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता 99 आ सकते हैं 98 आ सकते हैं, 97, 95 आ सकते हैं लेकिन 99.5 दोनों के आ आ जाए जाए एक पेपर में ये केवल तभी संभव है जब कोई तीसरा उस कॉपी को भर रहा हो, और उस खाली छूट कर, छोड़ छोड़कर आया हो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए ये बीजेपी के लोग है ना ये कांग्रेस के कई कर्मठ कार्यकर्ता भी बीजेपी में उपलब्ध है आप आज पत्रिका उठाइए उसमें आप खबर पढ़ेंगे फ्रंट पेज की तो उसमें समझ में आ जाएगा कि बीजेपी में बड़े बड़े लोग भी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता की सरकार होती है तब ये कांग्रेस के नेताओं पर एहसान करते हैं और जब कांग्रेस की सरकार होती है तब ये बीजेपी के नेताओं पर एहसान करते हैं ताकतवर लोग सदैव किसी भी सरकार में ताकतवर बने रहते हैं उनकी ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है या आपको गलत फेहमी है कि बीजेपी की सरकार आ गई कांग्रेस सरकार आ गई मुझे बताइए कौन सा अफसर जो जो पहले पावर में था पावरलेस हो गया एक भी अफसर नहीं बता सकते एक भी नेता ऐसे नहीं बता सकते जो बीजेपी में हो और पावरलेस हो गया हो और जब यह सरकार फिर से बीजेपी की या किसी अन्य बदल की आ जाएगी तो भी ये कांग्रेस के सारे नेता और प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस वाले और सब पावर में रहेंगे इनकी पावर में कोई कमी नहीं आएगी कानून में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माली होने से ओबीसी नहीं होता है गरीब माली होने से ओबीसी होता है आप सोचिए आदरणीय भावी मुख्यमंत्री श्री वैभव गहलोत अगर ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाकर फायदा उठाने लग जाएंगे तो इस कानून का महत्व क्या बचा राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान के शिक्षा मंत्री या कोई एमएलए या जिला शिक्षा अधिकारी या लेक्चरर या हेडमास्टर जो लेक्चरर से भी ऊपर होता है हेडमास्टर बत्तीस साल की उम्र में श्री रमेश चंद्र पूनिया हेडमास्टर हो गए थे जो स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड से ऊपर होता है क्या वो गरीब है लगता तो यही है कि वही गरीब है क्योंकि उनको एक रुपए में पट्टा दिया जाता है उनके तीनों बच्चों के ओबीसी प्रमाण पत्र बनते हैं और मंत्री जी शिक्षा मंत्री जी का बेटा भी ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाता है तो कानून बनाए क्यों इसमें एक राजस्थान सरकार का सर्कुलर मैंने फेसबुक पर डाला है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अब देखिएगा मेरे पीछे फेसबुक पर जाकर के अगर कोई फर्स्ट ग्रेड यानी लेक्चरर भी हो गया स्कूल लेक्चरर जिसकी अड़तालीस ग्रेड पे होती है अगर वह भी बन गया चालीस साल से पहले तो उसके बच्चे ओबीसी नहीं होंगे ये राजस्थान सरकार का मैंने नहीं लिखा है एक अफसर जिसका नाम जय सिंह है उसने स्पष्ट करके बताया कार्मिक विभाग का बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति माना जाता है और अगर ऐसा लिख करके उसने बताया है कि लेक्चरर का बेटा ओबीसी नहीं हो सकता तो मुझे बताइए हेडमास्टर तो उससे ऊपर होता है मैंने अखबार में पढ़ा श्री रमेश चंद्र पूनिया ने कहा कि पहले मैं हेडमास्टर था बाद में प्रधानाध्यापक बन गया अगर मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी भी ठीक है या कुछ लोग अंग्रेजी जानने वाले मुझे देख रहे हो तो मुझे बताइए हेडमास्टर और प्रधानाध्यापक में क्या फर्क है भाई और हेडमास्टर अगर लेक्चरर से ऊपर है और मैं तो कानून छोड़ दीजिए साधारण भाषा में समझिए कि क्या ओबीसी आरक्षण ऐसे लोगों के लिए बना था जो मंत्री हो जो विधायक हो जो पैसे वाले लोग हों जो हेडमास्टर हो आपको जानकारी हेडमास्टर की तनख्वाह कितनी होती है मैं ऐसे अनेक हेडमास्टर्स को जानता हूं जिनकी महीने की तनख्वाह डेढ़ लाख है और इस मामले में खास बात देखिए कि जिनका फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बना है उनकी माता जी श्री कमला पूनिया जी वह भी सरकारी शिक्षक है और वह भी सेकंड ग्रेड का वेतन उठा रही हैं सेकंड ग्रेड समझते हो ना और अगर हेडमास्टर को सेकंड ग्रेड मान लो तो भी उनकी धर्मपत्नी भी सेकंड ग्रेड है दोनों सेकंड ग्रेड हुए कि नहीं हुए और अगर मैं गलत कह रहा होता ना तो अभी तक इस सरकार में मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका होता अब भी कर सकते हैं बड़ी बात नहीं है देशद्रोह जो है वो अशोक गहलोत साहब का फेवरेट शब्द है और इसका मुकदमा करने के वो मास्टर है, ही है। आप सोचिए क्या मैंने कोई गलत बात कही आपको आज तक और अगर नहीं कही है ये सारी बात आपको समझ में आ गई है तो क्या करना है वो करना है हिंद की जय और वो कैसे होगी एक अगस्त से लेकर चौदह अगस्त तक बैठिएगा मत और कोई नौकरी में है कोई बिजनेस में छुट्टी ले लो वाली कोई बात नहीं लेकिन उस चौदह दिनों में इन नेताओं को नानी याद आ जानी चाहिए इन काले अंग्रेजों को नानी याद आ जानी चाहिए कि मालिक कौन है नागरिक हैं आप हैं मालिक और लोकतंत्र में संविधान में बिल्कुल स्पष्ट परिकल्पना है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन आपको लगता है आपका शासन है और अगर नहीं लगता है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसके लिए बोलना पड़ेगा आपका नौकर अगर आपको यह कहने लग जाए कि मैं तो काम नहीं करूंगा तो उसको वापस बोलना तो पड़ेगा भाई काम तो करना पड़ेगा आपको ही लूट कर आपको ही खसोट कर, आपके ही बच्चों के साथ अन्याय करके वो लोग अगर आप पर शासन कर रहे हैं जिनको कानून में लोक सेवक कहा गया है पब्लिक सर्वेंट कहा गया है तो क्या आपका दायित्व तो नहीं है क्या आप वापस उसी गुलाम देश में नहीं जी रहे हैं? जहां पर मन चाह टैक्स लगा दो इनके इन पर अन्याय कर दो वो सब काम जो अगर आज भी जा रही है तो क्या आप आजाद मानोगे मानोगे क्या वो अधूरी आजादी को आजादी मानते हो क्या और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जैसे मान लो कुछ भी आप अच्छा करिए हिंद की जय करने कोशिश करिए आजादी से पहले भी उनके खिलाफ इस तरह की बात चली मेरे खिलाफ भी चल रही है और शायद आगे भी चलेगी चुनाव लड़ दूंगा मैं भाई मैं कह रहा हूं दोबारा बीजेपी कांग्रेस आरएलपी बीएसपी आम आदमी पार्टी कोई सी भी पार्टी मुझे टिकट मत दीजिएगा मेरा सब्जेक्ट चुनाव लड़ना नहीं है और मैं लड़ नहीं सकता और मैं लड़ लिया तो मेरी जमान जब्त तो होगी तो मेरी औकात नहीं है मेरी क्षमता नहीं है चुनाव लड़ने की लेकिन मेरी क्षमता है लोगों को जगाने की और उस क्षमता को किसी ने डेवलप नहीं किया है मैंने अंदर से अंदर जो है मेरी आत्मा से आवाज निकलती है मत दीजिएगा टिकट मुझे लेकिन अगर मुझे टिकट के बहाने अगर कोई आपको बरगलाना चाहता है उसको तो कम से कम रोकिए मुझे कहते हैं कि तेरा खानदान खत्म कर देंगे कुछ गुंडे अरे भाई मेरा खानदान खत्म करने से तेरा भला होता हो तेरे परिवार का भला होता हो तो कर देना भाई कल मैंने एप्लीकेशन दी मुख्यमंत्री को डीजीपी को डोटासरा जी को चीफ सेक्रेटरी को इसके बावजूद वो आज मुझे धत्ता बता करके मुझे फोन करता है धमकी देता है तुमको लगता है क्या देखिए मेरी तरफ क्या लगता है ऐसी धमकियों से मैं रुकूंगा मैं पहले पहले कह चुका हूं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का है मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप खुद के लिए अपने परिवार के लिए अपने देश की अगली पीढ़ी के लिए खड़े होइए भारत माता की जय करिए जय हिंद करिए इनकलाब जिंदाबाद होना तय है धन्यवाद मैं इसको सुरक्षित रख रहा हूं आप चिंता मत करिएगा जब चाहे तब देख लीजिएगा